फूल बंगला क्यों सजाया जाता है? राधिका तू ही बता देना, तुझे तो सारे किस्से कहानियां मालूम होते हैं। बताओ ना राधिका। गर्मियों में जैसे हम ठंडक के लिए इंतजाम करते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के लिए फूलों का बंगला सजता है। कहा जाता है सबसे पहले ये फूल बंगला सूरदास जी के गुरु श्री वल्लभाचार्य जी ने सजाया था। इसमें बिहारी जी को मलमल के वस्त्र दिए जाते हैं और उन्हें सजाया जाता है। फूलों का श्रृंगार किया जाता है, आधा हिस्सा काना की तरह और आधा हिस्सा राधा की तरह। भगवान का ये अर्धनारेश्वर रूप उस अमर प्रेम का प्रतीक है जिसने काना और राधा को सदियों से जोड़ के रखा है। इस दिन भगवान को झूले में बिठाया जाता है और झूला झुलाया जाता है। पति पत्नी एक साथ झूला झुलाते हैं ताकि उनका प्रेम श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की तरह हमेशा हमेशा के लिए अटूट हो जाए। आइए आइए दामाद बाबू, जीते रहिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल जीते रहो बेटा। मुझे क्षमा कीजिए, आप अस्वस्थ थे और मैं आपसे मिलने भी नहीं आ पाया। कैसी बात कर रहे हैं बाबू जी, आपकी बेटी थी ना, मेरा ख्याल रखने के लिए। तुमने मन लगाकर सेवा की ना दामाद बाबू की। जी बाबू जी, तभी तो इतनी जल्दी स्वस्थ हो गए ये। अच्छा आप चलें, मैं और लोगों को लेकर आता हूँ। चलिए मंदिर की तरफ। राधिका बेटा कैसी है तू? बहुत खुश हूँ बेटी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। काना की भक्त होते हुए मैं तुझे वो अधिकार नहीं दिला पाया जो दामाद बाबू के परिवार ने तुझे दिला दिया। तू प्रसन्न तो है ना? जी बाबू जी, बहुत खुश हूँ। चल बेटा तू चल, मैं राधे राधे। कैसी है माँ जी? बस ठाकुर जी की कृपा है। अति सुंदर सजावट है, ऐसी सजावट तो वर्षों में हमने वृंदावन में भी नहीं देखी। वो तो करना ही था शास्त्री जी, ठाकुर जी ने इतनी जल्दी देव को ठीक कर दिया, धन्यवाद तो देना ही था ना उन्हें। और अब तो ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना है कि देव और छोटी बहू पर ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहे। मैं तो ये चाहती हूँ कि आज यहाँ देव पर सिर्फ राधिका प्यार बरसाती रहे ताकि यहाँ आना वेस्ट ना जाए। इसको अब तुम क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ा रही हो और इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ कि क्या होने वाला है। स्टेज से जाओ, आगे होने क्या बात। मोहे कान्हा मोर बनी आयो रे, कान्हा मोर बनी आयो, देखो री देखो री, अरे देखो री, ब्रिज नागर आज नाचत है यमुना तट पे, नाचत है यमुना तट पे, नाचत है यमुना तट पे, अरे पीर पखावर
बांसुरी की ध्वनि बाज रही बंसीवट पे, बाज रही बंसीवट पे। मोर मुकुट मथुरा शिश कुंडल कधी काशनी कसी कसबे, अरे वृंदावन हित रूप सांवरो रिच रयो श्री राधा लट पे, अरे वृंदावन हित रूप सांवरो रिच रयो श्री राधा लट पे। देखो रे माई ये बड़ भागी मोर, रे देखो माई ये बड़ भागी मोर, ये बड़ भागी मोर, रे देखो माई ये बड़ भागी मोर। जाको मुकुट शीश धरि आयो नटवर नंद किशोर, रे देखो माई ये बड़ भागी मोर। मोर बनी आयो वो देखोरी, मोर बनी आयो रे कान्हा, मोर बनी आयो रे कान्हा, मोर बनी आयो रे कान्हा, मोर बनी आयो मोर कान्हा। करने चली थी तो पहले तो दामाद बाबू पे टोटका करके अपनी बोली बुलवाई ली, अब जानबूझकर दामाद बाबू के इर्द गिर्द घूम रही है। चार दिन पुरोहित परिवार के संग रह ली तो अपनी औकात भूल गई का? कान खोलकर सुन ले छोरी, तो को मंदिर में जाए का कोई जरूरत ना है, तो को हमरा धर्म भ्रष्ट करने का कोई अधिकार ना मिला है। दूर से ही दर्शन कर ले और की कोई अपना भाग समझ, यहाँ तक पहुंच गई वो बहुत बड़ी बात है। कल कह रहे हैं और जाकर गाड़ी के पास रुक जा। निकल कैसी चल रही है? मेरा मतलब है कि देवकी फीलिंग्स में कुछ चेंजेस वेंजेस आए कि नहीं? अरे मैंने तो एक्टिंग शुरू कर दी है पर तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे।
मैं आज आदर्श बहू और आदर्श पत्नी बनकर इन सबके साथ मंदिर के दर्शन करने आई थी, पर तुम्हारी वजह से मैं इन सबसे अलग हो गई हूँ। क्यूटी, तुम्हें फोन ही नहीं उठाना चाहिए था। कि मुझे लगा कि तुम किसी ऑडिशन की खबर दोगे मुझे। अरे उसी की तैयारियां तो कर रहा हूँ, स्टूडियो के चक्कर काट रहा हूँ। और तुम तो जानते हो क्यूटी, ये मुंबई है। मुंबई मेरी जान, यहाँ काम इतनी आसानी से नहीं मिलता, फूल इतनी जल्दी नहीं खिलता। वाह वाह, तुम खुद तो कुछ करते नहीं और मुझे भी कुछ करने नहीं दे रहे हो। एक बात मेरे ध्यान से सुन लो, आज के दिन मुझे फोन मत करना, समझ गए तुम? अब मैं रखूं बाय। बाजी, अब अपने हाथों से भगवान को झूला झूला कर शुभारंभ कीजिए। जी शास्त्री जी, लेकिन चार फूल चढ़ाकर भगवान को फूल बंगला सजाने का पुण्य तो कमा लो। सालों से करती आ, तुम तो इसलिए खुश थी ना, तुम्हारे दर्शन पास से हो पाएंगे, तुम अपने हाथों से झूला झूला पाओ, है ना? मैं खुश थी, फिर उस खुशी में मैं भूल गई। ये सब करना मेरे अधिकार में नहीं है। मैं तुम्हें अधिकार दे, खड़े रहना उचित नहीं, और भी दर्शनार्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी, मन तो था कि दोनों साथ में झूला झूला के, लेकिन खैर चलो। भौरिया, विशाखा तो हमारे साथ ही चल रही थी ना? जी, कहाँ रह गई है छोरी?
अभी बाकी भक्तजन भी झूला झूलेंगे। हो गया। कहाँ गए सबके सब? शाखा यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जब झूला झूलाई का था तो कहाँ रह गई थी? पूजा कराए का था ना तो वहाँ पे? हाँ दादी, मैं तो आई रही थी, पर भीड़ में कब खो गई पता ही नहीं चला। और रली, इसका मतलब हम सब तो उड़ कर आ गए है ना छोटी बहू? दादी माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस अभी पूजा करके आती हूँ। रहने दो छोटी बहू, आरती खत्म हो चुकी है, अब हम दोबारा मंदिर में नहीं जा सकते। देव कहाँ है छोटी बहू? वो यही कहीं होंगे। क्यों, वो भी कहीं खो गए क्या? नहीं नहीं छोटी बहू, देव की चिंता मत करो, वो खोएगा नहीं, यही कहीं होगा। मैं बस उन्हें अभी। रहने दो छोटी बहू, आप आइए ना समझ जी। चलिए ये कोई कितना भी भला करेगा सोचे ना, उस सब पे अच्छे से पानी फिराएगा तो कहावत है। किसी ने सच्ची कहा है कि घोड़े को पानी तक ले जा सकत है पर घोड़े को पानी पिला नहीं सकत है। ओहो दादी आप भी ना बस। अब छोड़ दादी वादी मत करियो, तो को पता नहीं है तूने कितनी बड़ी बेवकूफी की है, समझी? क्यों जा रही है माँ? आप जानती है ना कि मैं आपकी नाराजगी नहीं सह सकती। मैंने अगर आपको कोई चोट पहुंचाई है तो मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन भगवान के लिए इस तरह से चुप मत रहिए माँ। आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ये आंसू मुझे तूने ही दिए राधिका, फिर भी मुझसे बोलने के लिए कह रही है। आज मैंने अपनी आंखों से तुझे देव बाबू के साथ मंदिर में बिहारी जी को झूला झूलाते हुए देखा है। देव बाबू ने विशाखा से शादी करने के लिए मना क्यों कर दिया राधिका? तो तूने मुझे बता दिया कि जो बाबू ने विशाखा से शादी करने से मना कर दिया, पर क्यों मना किया? इस बात के पीछे छुपे सच को तो छुपा गई राधिका। आज मैंने देव बाबू की आंखों में तेरे लिए जो देखा है ना, वो याद कर करके मुझे तुझ पर शर्म आ रही है राधिका। मुझे अपनी परवरिश में शर्म आ रही है। बहुत अच्छा खेल खेला है बिटिया तूने यहाँ आकर, बहुत अच्छा खेल खेला है। विशाखा को उनके करीब लाने के बजाय तूने उससे दूर करके खुद उनके। आप सच नहीं जानती हैं। अच्छी तो जानना चाहती हूँ मैं, बता कि सच क्या है राधिका?
वो कन्या, वो तो ब्रज शास्त्री जी की पुत्री है, विशाखा। विशाखा? साथ लेके जाना चाहता हूँ, अपने घर वालों से मिलाना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि असली छोटी बहू तुम। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरी शादी तुमसे हो रही। अगर कल शाम को 4 बजे तुम कुंड पर नहीं है तो मैं उसी पानी में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। मेरा साथ देना होगा। मैं आपका साथ नहीं दे सकती, मेरी शादी होने वाली है। मैं किसी और से प्यार कल भी करता था और आज भी करता। एक विनती है आपसे, अगर मेरी आवाज आपको उस लड़की की याद दिलाती है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं तो अच्छा यही होगा कि आप मेरी सूरत कभी ना देखें। दोबारा विवाह नहीं करना। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है माँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, सब कुछ जैसे अपने आप ही होता गया। आप जानती हैं ना माँ, मैं अपनी परिवार की इज्जत पर जरा सी भी आंच नहीं आने दे सकती। आज भी आपके और बाबूजी के सम्मान के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, विशाखा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मां। कुछ तो बोलिए मां, ऐसे चुप मत रहिए।
तुम वहां से ऐसे बिना बताए क्यों चली आई? बहुत मजा आया होगा ना भगवान को इतना पास से देखकर, अपने हाथों से खुद झूला झूला कर। तुम तो ऐसे खोई हुई थी जैसे तुम्हारे पास कोई है ही नहीं। सच पूछो तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था जैसे मेरे आसपास कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं और सिर्फ मैं ही कही जा रहा हूं। तुम तो मुझसे कुछ कह ही नहीं रही, तुमने तो मुझसे धन्यवाद भी नहीं कहा। धन्यवाद तो कहो कम से कम। रो रही हो क्या? हुआ देवकी जी, मुझे तो राधिका की बड़ी चिंता हो रही है। आप जरा बात करिए ना उससे, समझाइए उसे। अवश्य अम्मा ने कुछ कहा हो, उसके अश्रु हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब आप ही हैं उसे समझा सकती हैं। आप ही की ममता की छाव में उसने जीवन की कठोर धूप को सहने की शक्ति प्राप्त की है। देवकी जी, आपने राधिका और विशाखा में कभी कोई भेद नहीं किया। आपने जिस तरह से राधिका को पाला पोसा है, उस तरह तो और कोई मां कर ही नहीं सकती। चाहिए, उसे आपकी आवश्यकता है, उसे सांत्वना दीजिए। परीक्षा ले रहे हो काना?
कोई पाप किया है, मुझे माफ कर दो काना, मुझे कोई सजा देनी है तो कोई और सजा दे दो काना, लेकिन मुझे मेरी माँ से दूर मत कर, मत करो काना, मुझसे उनकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती। आज तक जो कुछ भी हुआ है सब आप ही की मर्जी से तो हुआ है काना, और आज भी आप ही को माँ को समझाना होगा, उन्हें मनाना होगा काना, मेरी माँ को मना लो काना, मेरी माँ को मना लो। मैं जानती हूँ बिटिया कि तू सच कह रही है, तुझ पर अपने आप से ज्यादा भरोसा करती हूँ मैं। तूने एक पत्नी का अधिकार लेने की कोशिश कभी नहीं की, पर इस सच को कोई नहीं झुठला सकता राधिका कि वो अधिकार हमेशा से तेरा था, सिर्फ तेरा। और आज मैं तुझे तेरा ये अधिकार दिला के रहूंगी। जब उन संकेतों को याद करती हूँ जो समय समय पर ठाकुर जी ने हमें दिए, तो लगता है कि स्वयं भगवान के किए हुए निर्णय को ना मानकर हमने कितना बड़ा पाप किया है। पर अब और नहीं, आज मैं सबको बता दूंगी कि देव बाबू की पत्नी तू है, विशाखा नहीं। पुरोहित परिवार की छोटी बहू तू है, कोई और नहीं।